हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 48 घंटों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री किसे बनाना है इस उलझी गुत्थी को सुलझाया था। कद्यावर नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने पर फैसला हुआ था और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा प्रतिभा सिंह भी उस समय मुख्यमंत्री पद की इस रेस में शामिल थी। 30 सालों से अधिक समय से हिमाचल कांग्रेस पर वीरभद्र परिवार जो था इनका आधिपत्य था, इन्होंने राज किया। सूबे के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को पार्टी की कमान सौंपी। उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने चुनाव भी जीता, लेकिन अंतिम समय में मुख्यमंत्री पद से वे बाहर हो गई। उनके समर्थक सड़कों पर उतर गए थे। सीएम पद की सबसे मजबूत दावेदार रही प्रतिभा सिंह कैसे पीछे रह गई थी, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी जो बयानबाजी थी ये भी इसका एक कारण है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद प्रतिभा सिंह सीएम की कुर्सी को लेकर लगातार बयान दे रही थी। वीरभद्र सिंह की विरासत को आगे कर खुद को सबसे बड़ा दावेदार भी बता रही थी। जीत का सारा श्रेय भी वीरभद्र सिंह की नीति को ही उनके द्वारा दिया जा रहा था। कांग्रेस के पर्यवेक्षक सरकार बनाने के दावे को लेकर जब राज्यपाल से मिलने गए तो उन्होंने इस पर भी सवाल खड़े किए थे। वहीं दूसरी तरफ सुक्खू ने सीएम का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया था, उनको इसका इनाम सीएम के तौर पर मिला। इसके अलावा प्रतिभा सिंह वर्तमान में मंडी सीट से सांसद भी हैं। कांग्रेस अगर उनको मुख्यमंत्री बनाती तो मंडी में उपचुनाव कराना पड़ जाता। वहीं उनको विधायक बनाने के लिए भी एक सीट खाली करनी पड़ती, यानी दो उपचुनाव। कांग्रेस हाईकमान ने इस स्थिति से बचने के लिए विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, जिसके बाद प्रतिभा सिंह रेस से बाहर हो गई थी। प्रतिभा सिंह वर्तमान में राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि प्रतिभा अपने गृह जिला में फेल रही। मंडी जिला की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर कांग्रेस की हार हुई है। मंडी में कांग्रेस का प्रदर्शन भी प्रतिभा की राह में रोड़ा बना। कांग्रेस के उदयपुर शिविर में एक चुनाव में एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट देने का फॉर्मूला पास किया है। प्रतिभा के बेटे विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण सीट से विधायक बने। ऐसे में प्रतिभा को हाईकमान सीएम बनाती तो पार्टी के भीतर ही परिवारवाद पर सवाल उठने लगता। साथ ही चुनाव में जीत कर आए अधिकांश विधायक भी प्रतिभा के खिलाफ थे। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू की गिनती राहुल के करीबी नेताओं में होती है। 2013 में जब राहुल हर राज्य में अपनी टीम बना रहे थे तब उन्होंने सुक्खू को हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भेजा था। हालांकि उस वक्त के सीएम वीरभद्र सिंह ने उसका जमकर विरोध भी किया था। सुक्खू 2019 तक हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2022 में उन्हें राज्य के कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने बीजेपी के गढ़ हमीरपुर में भारी सेंधमारी की और जिला के 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो यही कारण था जिस वजह से प्रतिभा सिंह सीएम पद से थोड़ा दूर रहीं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिलहाल सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए सोनी ज्वेलर्स। आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 48 घंटों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री किसे बनाना है इस उलझी गुत्थी को सुलझाया था। कद्यावर नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने पर फैसला हुआ था और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा प्रतिभा सिंह भी उस समय मुख्यमंत्री पद की इस रेस में शामिल थी। 30 सालों से अधिक समय से हिमाचल कांग्रेस पर वीरभद्र परिवार जो था इनका आधिपत्य था, इन्होंने राज किया। सूबे के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को पार्टी की कमान सौंपी। उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने चुनाव भी जीता, लेकिन अंतिम समय में मुख्यमंत्री पद से वे बाहर हो गई। उनके समर्थक सड़कों पर उतर गए थे। सीएम पद की सबसे मजबूत दावेदार रही प्रतिभा सिंह कैसे पीछे रह गई थी, आइए जानते हैं।
सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी जो बयानबाजी थी ये भी इसका एक कारण है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद प्रतिभा सिंह सीएम की कुर्सी को लेकर लगातार बयान दे रही थी। वीरभद्र सिंह की विरासत को आगे कर खुद को सबसे बड़ा दावेदार भी बता रही थी। जीत का सारा श्रेय भी वीरभद्र सिंह की नीति को ही उनके द्वारा दिया जा रहा था। कांग्रेस के पर्यवेक्षक सरकार बनाने के दावे को लेकर जब राज्यपाल से मिलने गए तो उन्होंने इस पर भी सवाल खड़े किए थे। वहीं दूसरी तरफ सुक्खू ने सीएम का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया था, उनको इसका इनाम सीएम के तौर पर मिला। इसके अलावा प्रतिभा सिंह वर्तमान में मंडी सीट से सांसद भी हैं। कांग्रेस अगर उनको मुख्यमंत्री बनाती तो मंडी में उपचुनाव कराना पड़ जाता, वहीं उनको विधायक बनाने के लिए भी एक सीट खाली करनी पड़ती, यानी दो उपचुनाव। कांग्रेस हाईकमान ने इस स्थिति से बचने के लिए विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, जिसके बाद प्रतिभा सिंह रेस से बाहर हो गई थी। प्रतिभा सिंह वर्तमान में राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि प्रतिभा अपने गृह जिला में फेल रही। मंडी जिला की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर कांग्रेस की हार हुई है। मंडी में कांग्रेस का प्रदर्शन भी प्रतिभा की राह में रोड़ा बना। कांग्रेस के उदयपुर शिविर में एक चुनाव में एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट देने का फॉर्मूला पास किया है। प्रतिभा के बेटे विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण सीट से विधायक बने। ऐसे में प्रतिभा को हाईकमान सीएम बनाती तो पार्टी के भीतर ही परिवारवाद पर सवाल उठने लगता। साथ ही चुनाव में जीत कर आए अधिकांश विधायक भी प्रतिभा के खिलाफ थे। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू की गिनती राहुल के करीबी नेताओं में होती है। 2013 में जब राहुल हर राज्य में अपनी टीम बना रहे थे तब उन्होंने सुक्खू को हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भेजा था। हालांकि उस वक्त के सीएम वीरभद्र सिंह ने उसका जमकर विरोध भी किया था। सुक्खू 2019 तक हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2022 में उन्हें राज्य के कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने बीजेपी के गढ़ हमीरपुर में भारी सेंधमारी की और जिला के 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो यही कारण था जिस वजह से प्रतिभा सिंह सीएम पद से थोड़ा दूर रही और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पर भारत के साथ।